रामकृष्ण परमहंस जी के सदुपदेश। व्याकुलता, जिससे सत्य का मन पति में, लोभी का धन में और विषयों का विषय में लगा रहता है, उसी प्रकार भक्तों को परमेश्वर में मन लगाना चाहिए। जिस दिन भगवान के प्रति ऐसी प्रीति लग जाएगी, उसी दिन उसके दर्शन हो जाएंगे। माता के 5 बच्चे हैं, वह किसी को खिलौना, किसी को बाजा और किसी को भोजन देकर समझाए रखती है, परंतु जब उनमें से कोई बच्चा खिलौने को फेंक कर माँ माँ कह कर रोता है, तब उसे माँ शीघ्र दौड़कर उठा लेती है और गोद में बिठाकर शांत करती है। हे जीव, तुम कामिनी कांचन को लेकर भूले हुए हो, यह सब फेंक कर ईश्वर के लिए व्याकुल हो, वो शीघ्र आकर तुम्हें गोद में ले लेगा। संतान न होने, धन संपत्ति न मिलने के कारण अनेक लोग रोते और व्याकुल होते हैं, किंतु ईश्वर लाभ न होने, भगवान के चरण कमलों में प्रीति न होने के लिए कितने मनुष्य अपनी आंखों से आंसू गिराते हैं। पानी में डूबने पर जैसे प्राण विकल होते हैं, इसी प्रकार जिस दिन परमेश्वर के लिए प्राण व्याकुल होंगे, उसी दिन उसके दर्शन हो जाएंगे। बच्चे पैसों के लिए कभी माँ से फरियाद करते हैं, कभी रोते हैं, कभी मचल जाते हैं। इसी प्रकार तुम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए बच्चों के समान सरलपन में व्याकुल हो, फिर उसके दर्शन मिलने में विलंब न होगा। जो प्यासा है, वह गंगा के पानी को मेला कहकर क्या अन्य किसी सरोवर में जल पीने के लिए जाएगा? इसी प्रकार जिसे धर्म तृष्णा लगती है, वह यह धर्म ठीक नहीं है, वह धर्म ठीक नहीं है आदि कहकर क्या यहाँ वहाँ भटकता फिरेगा? नहीं, सच्ची तृष्णा के आगे विचार नहीं चलता। तो दोस्तों, यह था स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सदउपदेश व्याकुलता, और आगे आप सुनेंगे भक्ति और भाव। सादे कांच पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, परंतु उस पर मसाला लगा देने से प्रतिबिंब पड़ने लगता है, जैसे फोटोग्राफी में। उसी प्रकार शुद्ध मन पर भक्ति रूपी मसाला लगाने से भगवान का प्रतिरूप दिखाई देता है। केवल शुद्ध मन में बिना भक्ति के रूप नहीं देखा जा सकता, पहले भाव, फिर प्रेम और अंत में भाव समाधि। जैसे भक्त लोग संकीर्तन करते करते पहले राधा कृष्ण की जय, राधा कृष्ण की जय कहते हैं, फिर क्रमशः भावमग्न होने से केवल जय जय शब्द का ही उच्चारण करते हैं, अंत में केवल ज कहते कहते भाव समाधि में मग्न हो जाते हैं। जो भक्त इस प्रकार कीर्तन करते हैं, वे बाह्य ज्ञान शून्य होकर स्थिर हो जाते हैं। जिसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, वो समझने लगता है कि मैं यंत्र और तुम यंत्री हो, मैं ग्रह और तुम ग्रही हो, मैं रथ और तुम रथी हो, आप जैसा कहावेगा वैसा कहूंगा, जैसे चलावेंगे वैसे चलूंगा, जो करावेंगे वही करूंगा। भगवान के चरण कमलों में भक्ति उत्पन्न होने में विषय कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। जैसे शक्कर की वस्तु खाने पर गुड़ की वस्तु फीकी लगती है, उसी प्रकार भक्ति के आगे सब विषय कर्म फीके पड़ जाते हैं, फिर उनकी चाह नहीं रहती। तो दोस्तों, यह अध्याय समाप्त होता है।